नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के बिगनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको हम कवर करेंगे। एक बार मुझे आप कंफर्म कर दीजिए, इज आई एम ऑडिबल और नॉट, क्या मेरी वॉइस आपको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फायदा वो है कि यहाँ पर आपकी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो लाइव क्लासेस है उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप पूछ सकते हैं एजुकेटर से। सेकेंड वन इज डेली बेसिस पर लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, यानी टेस्ट सीरीज होती है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आपका खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में कुछ और आएगा और आपको पढ़ाया कुछ और जाएगा, नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड होता है सब कुछ, ठीक है, वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। और अनलिमिटेड एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस मतलब सपोज कीजिए आपने यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर से ही सारे सब्जेक्ट पढ़वा दिए जाएंगे या फिर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही सब्सक्रिप्शन दिया, ऐसा नहीं। अगर आपने यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है, तो यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आप किसी की भी क्लास को जाके क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट लाइव क्लासेस इन योर पॉकेट। अब कहेंगे सर पॉकेट का, पॉकेट में कैसे, अरे भैया मोबाइल में ही ये ऐप है, मोबाइल में ही आज आपकी सारी लाइव क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए, दिस वन इज समथिंग अबाउट मी, ये कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैंने एमटेक किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में, पिछले 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने और पढ़ाने का शौक है, और इसी शौक ने बहुत सारे स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी में उनके मुकाम तक पहुंचाया है। इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट, वास्तव में आपके सपने बड़े हैं, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं जो भी पीडीएफ रिलेटेड या जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सेंड करता रहता हूं, और जो भी आपके डाउट्स हैं आपके रिगार्डिंग योर स्टडीज, ठीक, जो भी इश्यूज हैं आपके स्टडी से रिगार्डिंग, आप मुझे यहां पे चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट लेता हूं रिप्लाई करने में। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरी वीडियोस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा इफ यू फॉलो मी हियर, ठीक है। तो जैसे अभी हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के मैं आज 9:30 पर इवनिंग में क्लास लूंगा, जो 2020 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मुझे लगते हैं, आई विल शेयर विद यू, ठीक है, उसकी क्लास आपके साथ शेयर करूंगा, आज लूंगा उस क्लास को। देखिए, अब बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ड्यूरेशन की, उसके अमाउंट्स की और टाइप की, और आप कैसे डिस्काउंट पा सकते हैं सब्सक्रिप्शन पे, उसकी बात करेंगे। तो जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने से शुरुआत हो जाती है सब्सक्रिप्शन की, और 24 मंथ तक इसके सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि दे शुड गो फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तो लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस दिन से यूपीएससी एग्जाम की डेट अनाउंस करती है तब से लेकर तब तक फाइनल सिलेक्शन करती है लगभग कितना समय लेती है, 1.5 साल लेती है। तो देखिए, यूपीएससी कितनी सीरियस है कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में। तो इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट, वास्तव में आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर मिनिमम 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तो आपको लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसके टाइप, तो पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। देखिए, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में क्या है, यहां पर आपको डेली बेसिस लाइव क्लासेस होती है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो एजुकेटर से पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज होती है, तो आप खुद का अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, आपके प्री मेंस इंटरव्यू की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं, तो आपका अमाउंट कितना है, 44,000 है, यानी 44,000 रुपए है। यहां पर अब बात है कि आपको डिस्काउंट अगर चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज माई रेफरल कोड दैट इज RSB1। आप जैसे ही यूज करेंगे रेफरल कोड RSB1, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, नाउ योर अमाउंट विल बी 39,600 रुपीज। वहीं आप अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के 24 मंथ्स के प्लान के लिए जाएंगे, तो आपका अमाउंट है 64,000। यहां पर भी आप मेरा रेफरल कोड RSB1 इसको यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, नाउ योर अमाउंट विल बी 57,600 रुपीज। चलिए, अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है यहाँ पर पर्सनल कोच।
अनअकैडमी अगर आप इस सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अकेडमी क्या पर्सनल कोच प्रोवाइड करेगी, क्योंकि एक आईएएस का लंबा सफर है, कई बार डीमोरलाइज होंगे, कई बार पढ़ाई में मन नहीं करेगा, कई बार थक जाएंगे, तो उस टाइम कोई ऐसा जो आपको मोटिवेट कर सके, दैट विल बी योर पर्सनल कोच। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो इसका अमाउंट कितना है, 64,000। यहां पर भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। ठीक है, इस रेफरल कोड को यूज करेंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ 57,600 रुपीज। वहीं आप अगर 24 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो आपका अमाउंट कितना है, 99,000 यानी 99,000 रुपए। यहां पर भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RSB1। ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, नाउ योर अमाउंट विल बी 89,100 रुपीज, राइट। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नॉट गुड आफ्टरनून, ठीक है, मैं गुड मॉर्निंग बोल गया, पता नहीं लगा क्योंकि सुबह भी क्लास थी तो जब से लगातार चल रहा है। चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है, मजा भी आता है स्टूडेंट्स को और क्वेश्चंस भी आते हैं। जब मजा भी आता है और क्वेश्चंस भी आता है तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ा जाए, ऐसा पढ़ेंगे कि आज ही फाइनल हो जाए, फिर कभी आगे पढ़ना ना पड़े, इस तरीके से। बस इसके जो डेटाज आते हैं ना, वो थोड़े से क्या करने पड़ेंगे आपको, हमेशा उस पर क्या करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा कि भाई अभी करंट अकाउंट क्या 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 हिसाब है, कैपिटल अकाउंट का क्या हिसाब है, ट्रेड का क्या हिसाब है, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या हिसाब है, तो वो थोड़ा सा हम समझेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, यानी मैं हमेशा कहता हूँ मौसम बनाते हैं, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले माहौल बनाना पड़ेगा, ठीक। अब आप जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, अपने रूम में बैठते हैं, ठीक है, तो रूम में प्रिपरेशन से पहले मैं भी हमेशा ऐसे ही करता था कि थोड़ा माहौल बनना चाहिए, ठीक है, तैयारी करने से पहले। तो अभी माहौल बनाते हैं, आपसे कुछ दो तीन चीज पूछूंगा, फिर आप बताते रहिएगा। गुड्स, मैंने आपको पढ़ाया था गुड्स, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, इसको पेन को चेंज कर लूं जरा, हाँ गुड्स पढ़ाया था आपको गुड्स, और बात की थी हमने सर्विस की, ठीक है, दोनों में, यानी गुड्स मतलब वस्तु और सर्विस मतलब सेवा, इन दोनों में मैंने आपको बताया था गुड्स क्या होता है, मतलब गुड्स एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम फील कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, यानी गुड्स आर विजिबल, मानेंगे ना, गुड्स क्या है, विजिबल है, यानी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर इज ए गुड, ठीक है, आप इसको फील कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं सर्विस की, सर्विस क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आई एम गिविंग यू सर्विस, प्रोवाइडिंग यू सर्विस, ठीक है, तो इस सर्विस को आप ना तो देख सकते, ठीक, ना ही टच कर सकते, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं सर्विस इज इनविजिबल, तो रोंग होगा कि करेक्ट होगा, तो सर्विस क्या है, अदृश्य है, इसको आप देख नहीं सकते, ये दृश्य है, इसको आप देख सकते हैं, बस यही अंतर है। गुड्स मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो और देख सकते हो, वो कहलाता है गुड्स, और जिसको आप केवल फील कर सकते हो, केवल और केवल फील कर सकते हो, टच और देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड योर सर्विस। यहां तक क्लियर है दोस्तों, यहां तक क्लियर है, चलिए ठीक है, ये आपको क्लियर है। अभी और थोड़ा सा और बेसिक पूछते हैं। अब एक सवाल है आपसे, सवाल क्या है, थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप में बताता हूं, फिर इससे बेसिक क्लियर होगा आपका। आपके पास 1,000 रुपए हैं, कितने, 1,000 रुपए आपकी जेब में है, 1,000 रुपीज, ठीक है, 1,000 रुपए आपके पास है। अभी क्या हुआ, जैसे आपके पास 1,000 रुपए थे, थोड़ी देर में आपका एक दोस्त आया और कहने लगा, भाई जरा 300 रुपए दे दे यार उधार, वो मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, पापा है नहीं अभी, और पैसे मुझे मिल नहीं रहे घर में कहाँ रखे हैं, और मुझे डॉक्टर को लेके जाना है मम्मी को, तू मुझे 300 रुपए दे देगा क्या? आपने कहा हाँ बिल्कुल दे दूंगा भाई, क्यों नहीं दूंगा। तो आपने क्या करा, उस 1,000 रुपए में से 300 रुपए क्या करे, अपने दोस्त को दे दिए, कितने करे, 300 रुपए अपने दोस्त को दे दिए। तो इस 1,000 रुपए में से 300 घटे हैं, सब्ट्रैक्ट हुए हैं कि प्लस हुए हैं, इस 1,000 रुपए में से 300 रुपए कम हुए हैं कि ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, तो आपने क्या करा, इसको माइनस लिख दिया, और क्या करा, अपनी डायरी में, एक डायरी में लिखा आपने, अपनी डायरी में लिखा 1,000 रुपए आपके पास थे, 300 रुपए अपने अपने दोस्त को दे दिए, और अपनी डायरी में तुरंत नोट कर लिया कि माइनस के 300 रुपए हो गए, यानी अपने पैसा उसको दिया, पैसा दिया, यानी आपने माइनस में लिख लिया, ठीक है जी, माइनस लिख लिया, और आपके दोस्त को दिए तो उसके पास ही प्लस में हो गए ना, उसके पास प्लस में हो गए, आपके यहाँ माइनस में हो गए। अभी क्या हुआ,
थोड़ी देर बाद आपका एक दूसरा दोस्त आया, उसने कहा भाई पिछले हफ्ते तेरे से वो मैंने 100 रुपए उधार लिए थे, अब अपने 100 रुपए ले ले। तो अब उसने आपको 100 रुपए दिए, क्या करा 100 रुपीज आपको दिए, आपको पकड़ा दी ले भाई। आपने क्या करा फिर अपनी वही पोथी निकाली यानी डायरी निकाली और उसमें क्या कर दिया 100। इस बार क्या करेंगे आपको पैसा मिला तो आपने कर दिया प्लस कर दिया। अब आपसे मैं कहूं कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना बचा अभी, अभी कितना पैसा है, तो आप कहेंगे भाई मैंने 300 रुपए अपने दोस्त को दे दिए, यानी कि मेरे पास इस टाइम बचे आपके मेरे 800 रुपए बचे, मेरे पास 800 रुपए बचे। और ये अपनी डायरी में आपने क्या करा इसको लिख लिया। तो दोस्तों पैसे की लेन देन को, पैसे को देने को और पैसे के लेने को एक सिस्टमेटिकली वे में कहीं पे रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि पैसे के लेने को और पैसे के देने को एक कहीं पे एक सिस्टमेटिकली वे में कहीं पे रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, यानी भुगतान संतुलन कहलाता है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे क्लियर करके बताते रहो। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, चलिए फिर, यानी आपको ये चीज क्लियर है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा से अच्छे वे में पढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है कौन लोग हैं, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहे हैं कौन लोग हैं? बिल्कुल दिख रहे होंगे, एक तो अक्षय कुमार साहब हैं, एक अनुपम खेर साहब हैं, और ये मिशन इम्पॉसिबल है ना। कितनी मूवी आ चुकी है मिशन इम्पॉसिबल की, आईएएस तो बाद में बनते रहेंगे, पहले आज ये डिस्कस करते हैं कितनी मूवी आई मिशन इम्पॉसिबल की, कितने पार्ट आ चुके हैं, 1, 2, 3 मिशन इम्पॉसिबल, 1, 2, 3, 4, 5 कितने आए, ठीक है भाई ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे हमारे कहते हैं भाई फिल्म देखने चल रहे हैं, हमारे यहाँ जाकर मैं हूँ वहां से कहते हैं फिल्म देखने चल रहे हैं, आज फिल्म देखेंगे, है ना। तो फिल्म मतलब मूवी, तो कितनी आ चुकी है इसकी मिशन इम्पॉसिबल, कितने पार्ट आ चुके हैं, ठीक, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है आप आईएएस बनने, लेकिन बाहर का अब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, आप करंट करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है आपको, ये आया तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक। जब भी आप, अगर आप ये भी पता है तब आप इसका मतलब आप परफेक्ट अच्छा आईएएस बनेंगे। तो ये अक्षय कुमार हैं, ये अनुपम खेर हैं, ये टॉम क्रूज साहब हैं। चलिए इनकी थोड़ी सी आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप जानते हैं अक्षय कुमार के बारे में, हिंदुस्तान में एक साल में 30-35 मूवी बनाते हैं। ये जो अक्षय कुमार हैं ये इंडियन रेजिडेंट हैं, यानी भारत में रहते हैं। कौन है ये, इंडियन रेजिडेंट है भारत में रहते हैं। ये कौन है, अनुपम खेर हैं, ये भी इंडियन रेजिडेंट है भारत में रहते हैं। टॉम क्रूज इंडियन रेजिडेंट नहीं है, ये भारत में नहीं रहते, कहां रहते हैं ये यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। क्लियर यहां तक, चलिए अब आइए फिर दोबारा अक्षय कुमार के पास आते हैं। अक्षय कुमार के पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, अक्षय कुमार कैनेडियन सिटीजन है। कहां के सिटीजन है, कैनेडा के सिटीजन है। अब सिटीजन क्या होता है अभी बात करते हैं। अनुपम खेर इंडिया के ही, इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया के ही सिटीजन है, यानी भारत के ही नागरिक हैं। अक्षय कुमार रहते भारत में लेकिन नागरिक कहां के, कैनेडा के, इन्होंने सिटीजनशिप कैनेडा की ले ली है। चलिए ये टॉम क्रूज साहब ना तो इंडिया में रहते हैं ना ही भारत के सिटीजन है, ये अमेरिकन सिटीजन है। ये क्लियर आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आनंद की प्राप्ति होगी आपको। जैसे वो बाबा जी प्रवचन देते हैं ना वो वाली, जैसे माताएं बहनें देखते हैं ना वही वाली आनंद होगा आपको बिल्कुल, और आज ही खत्म कर देंगे इसको, फिर कभी बोलेंगे नहीं। क्लियर है यहां तक, चलिए ठीक। अब देखिए, अब पहले एक टर्म है सिटीजनशिप, आप में से कोई बता सकता है कि सिटीजनशिप क्या होता है? मैं इस भारत का सिटीजन हूं, मैं आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैं क्या हूं, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक भाषा, एक साधारण भाषा में कोई मुझे बता दे कि व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप, आप सिटीजन से क्या समझते हैं, ठीक है, नागरिकता से क्या समझते हैं, चलिए नागरिकता छोड़िए, सिटीजनशिप नागरिक से क्या समझते हैं आप भारत के नागरिक हैं, इससे आप क्या समझते हैं, आप भारत के नागरिक हैं इससे क्या समझते हैं? क्योंकि सिटीजनशिप पे जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ था सीए से बड़ा हंगामा कटा, ठीक है, तो सिटीजन जो सिटीजन है, मैं भारत का सिटीजन हूं तो मैं क्या हूं, मतलब इससे क्या समझते हैं? सिटीजन का मतलब है आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, मैं भारत की प्रॉपर्टी हूं,
आप समझिए आपके पास घर है, आपका मकान है, दैट विल बी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी होगी, दैट विल बी योर प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके पास घर है तो आपकी प्रॉपर्टी है। आप अपने घर में कील ठोको, आप अपने घर में हथौड़ा बजाओ, आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बाहर का के कर देगा तो क्या करोगे, हंगामा मचा दोगे, शोर कर दोगे। तो दैट वाई आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूं तो आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भारत में मेरे साथ कुछ भी हो ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे दूसरे देश का मेरे से पंगा लेगा तो पूरी सरकार खड़ी हो जाएगी, बिकॉज आई एम द सिटीजन, आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, राइट। तो क्या है, अनुपम खेर इज द सिटीजन, अक्षय कुमार इज द सिटीजन ऑफ कैनेडा, ठीक है, और ये क्या है, अमेरिकन सिटीजन है। अब थोड़ी सिटीजनशिप भूल जाओ, इस सिटीजनशिप को भूल जाओ। केवल हम किसके बारे में बात करेंगे, हम केवल रेजिडेंशियलशिप के बारे में बात करेंगे, रेजिडेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, इस टॉम क्रूज का फोन आया अक्षय कुमार के पास। टॉम क्रूज ने हेलो करा, फोन करा अक्षय कुमार को कि अक्षय कुमार जी, हाँ भाई, मैं एक मूवी बना रहा हूं हॉलीवुड में और उसमें मुझे मार धाड़ का सीन चाहिए, 3 दिन का सीन है, बताओ करोगे क्या। अक्षय कुमार ने कहा, यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हॉलीवुड में मुझे टॉम क्रूज के साथ अपॉर्चुनिटी मिली है, क्यों नहीं करूंगा। क्या ठीक है, अक्षय कुमार जी ने, भारत के रेजिडेंट हैं ये, क्या किसका मैप है, ये यूएसए का जहाज पकड़ा, हवाई जहाज, और ढाई देश ने लैंड, यहां पहुंच गए। और यहां पहुंच के इन्होंने क्या करा, 3-4 दिन तक उस मूवी में काम किया, वो जो सीन था ठीक है मार धाड़ का, वो बनाया करा और करके फाइनल हो गया। जब ये चलने लगे तो टॉम क्रूज साहब ने इन्हें क्या दिए, कोरे डॉलर दिए। क्या दिए भाई, काम किया है तो काम के बदले में कुछ तो मिलेगा ना, पैसा दिया। तो इनको क्या किया गया, ठीक है, क्योंकि ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, आपके आंसर अच्छे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वेरी गुड। तो क्या हुआ, इन्होंने जब मूवी कंप्लीट कर ली, मूवी कंप्लीट करके जब चलने लगे तो टॉम क्रूज ने इनको दिया पैसा। क्या दिया, पैसा दिया। और ये पैसा लेकर यूएसए से कहां रवाना हो गए, इंडिया में हो गए, क्योंकि ये रहते कहां हैं, भारत में रहते हैं, तो पैसा लेके कहां आएंगे, भारत में आएंगे। टॉम क्रूज ने कितना पैसा दिया, टॉम क्रूज ने दिए $2,00,000। कितने दिए, $2,00,000 दिए 3 दिन के लिए मूवी में काम करने के। अक्षय कुमार जी ने रखे और कहां पे आ गए, इंडिया में आ गए। या मैं साधारण भाषा में और बोलूं कि भाई अमेरिका से, अमेरिका ने भारत को ₹2,00,000 दिए ना दिए, भाई टॉम क्रूज ने दिए या अमेरिका ने दिए, आए तो भारत में ही ना भाई। ये टॉम क्रूज कहां का है, अमेरिका का है। अक्षय कुमार कहां रहते हैं, भारत में रहते हैं। अक्षय कुमार पैसे लेके कहां है, भारत में आए। तो कह दो यूएसए ने पैसा कितना दिया, $2,00,000 किसको दिए, इंडिया को दे दिए। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ, एक संस्था है जिसका नाम है IMF। क्या नाम है संस्था का, IMF, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये वही संस्था है जो ये बताती है कि कोई देश कितनी करेंसी प्रिंट कर सकता है। ये वही संस्था है जो बताएगी कि भारत का जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कितने कोरे कोरे नोट छाप सकता है। ये वही संस्था है, ये वही संस्था है जो अमेरिका को बताती है कि तू कितने डॉलर छाप सकता है, जो वहां का सेंट्रल बैंक है। ठीक, तो इस ये जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये एक बात कहती है। क्या कहती है कि किसी भी देश में कोई पैसे का लेन देन हो रहा हो, किसी पैसे का लेन देन हो रहा हो, उसको वहां का सेंट्रल बैंक कहीं पे लिखेगा। ये जो संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कहती है कि कहीं पे भी किसी भी देश से पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा आ रहा है उस देश में या पैसा जा रहा है, तो उस देश का जो सेंट्रल बैंक होगा वो क्या करेगा, उस पैसे को कहीं पे लिखेगा, एक रिकॉर्ड बना के रखेगा। तो देखिए ये पैसा क्या हुआ, $2,00,000 कहां पे आया, भारत में आया। अब मैंने वही देखी, पीछे चलिए जो मैंने आपको बताया था। क्या ये देखिए, आपका दोस्त है ये, ठीक, ये आप थे 1,000, आपने अपने दोस्त को पैसे दिए, आपके यहां से पैसे गए, तो आपने किधर लिखा, अपने साइड क्या लिखा, अपनी साइड निगेटिव लिखा, और अपने दोस्त की साइड क्या लिखा दोस्तों, पॉजिटिव लिखा नहीं लिखा। अब उसी चीज को हम यहां पे करते हैं, देखिए $2,00,000 अमेरिका से इंडिया में आए, तो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसने तुरंत लिख दिया क्या, माइनस के $2,00,000, लिख दिए $2,00,000।
ठीक है, ये डॉलर आगे आएगा पीछे आएगा वो आप देख लेना, मैं इसने मैथमेटिकल वे में नहीं जाता, आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 लाख क्या हुआ, डॉलर उसने माइनस कर दिए, और भारत का जो कौन सा है बैंकों के पापा आरबीआई ने क्या करा, तुरंत इसको फट देने क्या लिख दिया, प्लस के 2 लाख डॉलर लिख दिए, क्योंकि देखो वहां से निकले, वहां से गए, वहां माइनस कर दिया या प्लस कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो ये अक्षय कुमार जी हैं, इन्होंने फिर फोन लगाया किसको, टॉम क्रूज को, कि भाई मैं ऐसे ऐसे थिएटर शो कर रहा हूं और 5-6 पहले थिएटर कर लिए, सक्सेस नहीं हो रहे, भीड़ नहीं आती, एक काम कर तू आ जा 2 दिन के लिए, तू आएगा तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि तू तो इंटरनेशनल क्या है भाई, एक्टर है, तेरे आने से लोग बाग, टॉम क्रूज के आने से यहाँ भीड़ आ जाएगी, जैसे भी पीछे इंडिया में एक एक्टर आया था उसकी पैंट चोको निकल रही थी, ठीक है, पता नहीं क्यों लोग बाग भीड़ इकट्ठी, 20,000 रुपए का टिकट मैंने सुना है, 20,000 रुपए का टिकट लेके उसको देखने गए जिसकी पैर नीचे को निकल रही थी। अरे यार इंडिया में भी एक से एक कलाकार है ना, उनको ही सुन लेते, उनको ही देख लेते, खैर वो बात अलग है। तो ये इसको फोन किया गया कि तू आ जा, तो ये क्या हुआ, इसने धाई इसने फ्लाइट पकड़ी और ये कहां पे लैंड कर गया, इंडिया में आ गया, अभी इंडिया में पहुंच गया। इंडिया में इसने क्या कहा, वो थिएटर में भीड़ इकट्ठी करने के लिए इसने अपने शर्ट वर्ट उतार ऐसे खड़ा हो गया, लोग भीड़ इकट्ठी होगी, टॉम क्रूज ने शर्ट उतार दी, भीड़ इकट्ठी होगी, अक्षय कुमार को फायदा हो गया, अक्षय कुमार का थिएटर चल गया। अब क्या हुआ, जब ये जाने लगा वापस, 2-3 दिन के लिए आया था, जब ये वापस जाने लगा, कहां पे, अमेरिका में, तो अक्षय कुमार ने फिर इसको एक चेक पकड़ाया, कितने का, अक्षय कुमार ने इस बार दिए इसको 5 लाख डॉलर दिए, कितने दिए, 5 लाख डॉलर दिए। अब ये जो 5 लाख डॉलर है इंडिया में किसमें लिखे जाएंगे, प्लस में कि माइनस में, बताइए जरा, गिव मी योर आंसर, बताइए, ये जो 5 लाख डॉलर हैं, ये जो 5 लाख डॉलर हैं, दिस 5 लाख डॉलर्स इंडिया में प्लस में लिखे जाएंगे कि माइनस में लिखे जाएंगे, गिव मी योर आंसर, ठीक है, माइनस लिखे जाएंगे, शाबाश, यानी कि इंडिया में क्या होगा, यहां लिख दूं माइनस 5 लाख, 5 लाख हो गए यहां पे। अमेरिका में टॉम क्रूज लेके पहुंच गया, टॉम क्रूज के पास आया, या फिर अमेरिका में, तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसको लिख देगा 5 लाख प्लस 5 लाख डॉलर, ठीक है जी, 5 लाख यहां लिख दिया, 5 लाख यहां लिख दिया, ठीक। अब मैं अगर इसको जोड़ूं, तो कितना आएगा, यहां प्लस के 3 लाख डॉलर आया कि नहीं आया, आया, यहां पे, यहां कितना आया, ये आया माइनस के 3 लाख डॉलर, भाई आया कि नहीं आया, देख लो, ठीक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आप समझिए, अगर यहां से क्या हुआ, कुछ पैसे का लेन देन इंडिया में हुआ और कुछ का लेन देन इंडिया से अमेरिका में हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है, इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, क्या है, इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब सिस्टमैटिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने एक क्या बना रखा, सेटअप बना रखा, हर बैंक को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का जो फॉर्मेट है उसको बोलते हैं BMP6, क्या बोलते हैं, BMP6, क्या है, इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, क्या, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन किसमें होता है, डॉलर में होता है, याद रखना, इसलिए मैंने डॉलर का फोटो लगाया, इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, क्या होगा, यानी कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किसके, किसका, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, यानी पैसे का, यानी डॉलर का, किस किसके बीच में, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच में, और इसका जो रिकॉर्ड है, जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ठीक है, उसके लिए जो क्या बना रखा, फॉर्मेट बना रखा IMF ने, उसको बोलते हैं BMP6, ये लिख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि UPSC सवाल पूछ लेती है। अब देखिए जरा पीछे चलते हैं, फिर वही, ये रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट है, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा किसका, डॉलर का, उसको कहीं सिस्टमेटिक वे में लिखने को ही क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब देखिए, हर देश जो है, IMF ने कहा, हर देश का जो सेंट्रल बैंक है वो पैसे का जो लेखा जेखा हो रहा है, हर देश, किसने कहा, IMF ने कहा,
हर देश का जो सेंट्रल बैंक है वो जो पैसे का लेखा जोखा हो रहा है किस किसके बीच में, बिटवीन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में, उसका जो लेखा जोखा है वो क्या करेगा, एक सिस्टमेटिकली वे में लिखेगा, उसी को ही कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर मैं अमेरिका के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं, 2 लाख तो गए थे, 5 लाख आए, तो टोटल कितना है इसका, 3 लाख, कितना हो गया 3 लाख, 3 लाख हो गया। अब आ जाइए पीछे, यहां पे कितना है, 2 लाख इसको मिले इंडिया को, 5 लाख इंडिया से गए, तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना हो गया, माइनस के 3 लाख। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे, मैं कहूं कि केवल दुनिया में दो ही देश है, दुनिया में केवल दो ही देश है, अमेरिका और एक भारत, आप थोड़ी देर के लिए फील करो ऐसा कि केवल दो ही देश है, अमेरिका और भारत, और मैं कहूं ठीक है इन दोनों का, 200 का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका सम कितना है, दोनों देशों का इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट का सम कितना है, कितना होगा, कितना है दोनों का, आप कहेंगे सर माइनस 3 लाख प्लस 3 लाख बराबर के 0, बराबर के 0। यानी कि इससे यह पता लगता है कि कहीं पे कुछ देश से, किसी देश से कुछ पैसा गया होगा तो उसको माइनस में लिख लिया उस देश ने, और उस देश के पास कहीं से पैसा आया होगा तो प्लस के लिख लिया होगा, यानी कि यही होता रहता है। ठीक है, और जो पूरे वर्ल्ड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट करता है वो कौन करता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट मंगा लिया, इंडिया का मंगा लिया, साउथ अफ्रीका का मंगा लिया, पाकिस्तान का मंगा लिया, चाइना का मंगा लिया, सबका मंगा के एक जगह जोड़ देता है। जब वो सब पे एक जगह जोड़ेगा तो कितना आएगा, IMF का बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि किसी देश में कहीं से पैसा गया होगा, मान लीजिए हमने चाइना को कुछ पैसा दिया होगा, चाइना ने हमें दिया होगा, चाइना ने कहीं और दिया होगा, ठीक है, उस देश ने चाइना को दिया होगा, तो ऐसे एक नेटवर्क बन रहा है, कहीं पैसा जा रहा होगा, कहीं पैसा आ रहा होगा, और फाइनली उन सबको जोड़ेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है। ठीक है, इसी गड़बड़ को बचाने के लिए, इसी गड़बड़ को बचाने के लिए क्या किया गया, जो आपका IMF है उसने एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, और वो फॉर्मेट सब देशों के लिए लागू है। उसने क्या करा, एक फॉर्मेट एक्सेल शीट बना दी है। ठीक है, ये एक्सेल की फॉर्म में होती है, देखो एक्सेल का भी मैंने वो ले रखा है, एक्सेल की फॉर्म में होती है और सब देशों के लिए इक्वल है। ठीक है, और सबको क्या करना, उसमें अपना डेटा भरना, क्या कि कितना पैसा हमारे यहाँ आया है और कितना गया है। ठीक, और मान लीजिए अगर वो सिस्टम में नहीं भरते, इस प्रॉपर सिस्टम नहीं करते मेंटेन, तो क्या होता है, कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट IMF का 0 नहीं आता, यानी फिर IMF चेक करता है कि भाई किस देश ने गड़बड़ करी। अब मान लीजिए, आप समझ लो, मान लीजिए ये फॉर्मेट ना होता है, अगर BMP6 फॉर्मेट ना होता तो मान लीजिए सीरियल, यहाँ 3 फॉर्मेट हो जाते, मान लीजिए इंडिया ऐसे बनाता, या सीरियल नंबर लिखता, यहाँ पे मनी इन जितना पैसा आ रहा है भारत में और जितना आउट वो यहाँ मेंटेन करता है। ऐसे अमेरिका क्या करता, अमेरिका अपनी मर्जी से बना लेता, अमेरिका कहता पहले यहाँ डेट लिखूंगा, फिर यहाँ सीरियल नंबर लिखूंगा, फिर यहाँ पैसा आउट में लिखूंगा और पैसा यहाँ इन में लिखूंगा। अब IMF क्या करते, इन सबको जोड़ता तो IMF तो पागल हो जाता, वो तो कहते तो पता नहीं क्या आ रहा है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए IMF क्या किया, एक BMP6 फॉर्मेट क्या करका, इस फॉर्मेट को बना के दिया हुआ है, और उसी फॉर्मेट में हर देश के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, जैसे भारत का क्या सेंट्रल बैंक, RBI, हर देश का सेंट्रल बैंक उस देश में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है उसका रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट, ये आपको यहां तक क्लियर है, राइट, यहां तक आपको क्लियर है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक है, ये क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, जिसको कौन मेंटेन करता है, वहां का सेंट्रल बैंक, ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी पैसे के लेन देन की, और किस फॉर्म में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किस फॉर्मेट में होता है, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 3 महीने का भी होता है, कई बार 6 महीने का भी होता है। अब जरा दोबारा ये इसको एक बार रफ कर देता हूं, ये तो आपको क्लियर है। अब देखिए ये कौन है, अनुपम खेर। अब बताइए, अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, अनुपम खेर आजकल क्या हुआ, उनकी वाइफ जो है सांसद है तो उसकी वजह से दिल्ली में रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं अनुपम खेर जी, क्योंकि इनकी वाइफ सांसद है बीजेपी की। जो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार ये मुंबई में रह रहे हैं,
कहां रह रहे हैं? मुंबई में रह रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताते रहिएगा। दोनों के दोनों कहां पे रहते हैं? भारत में रहते हैं। दिल्ली भी भारत में है और मुंबई भी भारत में, दोनों इंडियन रेजिडेंट हैं। अब क्या हुआ, अक्षय कुमार ने फिर फोन करा किसको? अनुपम खेर जी को। अनुपम खेर जी ने कहा भैया एक मूवी में काम करना आओगे क्या? 5-4 दिन का सीन है। कहा तो क्या हुआ, इन्होंने आके उस मूवी में काम किया, इसके बदले में अक्षय कुमार ने अनुपम खेर को कितने दिए? 10 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 10 लाख रुपए दिए। यानी अक्षय कुमार ने अनुपम खेर को 10 लाख रुपए दिए, प्लस के 10 लाख रुपए हो गए और यहाँ माइनस के 10 लाख हो गए। ये जो माइनस और प्लस हुआ है, क्या ये ट्रांजेक्शन जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आरबीआई सेंट्रल बैंक लिखेगा? सवाल ये है, क्या इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को आरबीआई लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बताइए, क्या इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में आरबीआई लिखेगा? नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, ये देखिए, इट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, यानी कि जो भारत में रह रहा है और जो भारत में नहीं रह रहा है, उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसका? इकोनॉमी का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, जो पैसे का लेन देन हो रहा है, उसको ही किसमें लिखता है? आरबीआई इस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यानी BMP 6 में लिखता है, और उसी को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये दोनों तो कहां की है? एजेंसी है। तो इनका तो जो आपने प्लस किया यहाँ पे, प्लस 10 लाख हुआ, इसको माइनस 10 लाख, तो भारत से भारत में रहा और दोनों ही इंडियन रेजिडेंट है, तो इसको नहीं लिखेंगे। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर नॉट? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, यानी ये आपको क्लियर है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये पूरा चार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे मैं आपको कुछ डेटा भी दूंगा, मैं कुछ खुद भी लिख के लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता है और वो बदलता भी रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है हर 3 महीने पे, क्योंकि बैलेंस ऑफ रिपोर्ट जो है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो रिपोर्ट है, वो हर 3 महीने में आरबीआई देता रहता है IMF को कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो वो आपको मैं एक डिटेल बता दूंगा जो समय के साथ चेंज होती रहती है, आपको अपडेट करते रहना उसको, कहां पे? आरबीआई की साइट से, राइट। दूसरा आपको ये भी बताऊंगा कि इंपोर्ट कौन कौन से प्रोडक्ट कहां किस किस देश से, हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, किस किस देश से इंपोर्ट हो रहे हैं और किस किस देश में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपको मैं आज बताऊंगा, ठीक। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो भुगतान संतुलन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। क्या? 2 अकाउंट होते हैं, ठीक। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट, आपने सुना है करंट अकाउंट कौन रखता है? आप जैसे बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं कि करंट अकाउंट खुलवाते हैं? बताइए मुझे, बताइए। आप जो है, आप जब बैंक में जाते हैं तो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं कि करंट अकाउंट खुलवाते हैं? सेविंग खुलवाते हैं। यानी करंट अकाउंट कौन खुलवाएगा? जो ट्रेडिंग करता होगा, यानी व्यापारी खुलवाता है, बिजनेसमैन खुलवाता है। जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो क्या कर, वो खुलवाता है करंट अकाउंट। तो क्यों खुलवाता है करंट अकाउंट व्यापारी? क्योंकि वो दिन में कई बार पैसा निकालता है, कई बार जमा करता है, निकालता है, जमा करता है, तो उसकी लिमिटेशंस जो है, सेविंग वालों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, व्यापारियों की लिमिटेशन नहीं होती। यानी कि फास्ट, तेजी से पैसा आया गया, पैसा आया गया, पैसा आया गया। व्यापारी किस भाई दिन में 10 बार 100 बार पैसा निकाले, 100 बार जमा करे, तो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होती। जबकि आप अपने सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस होती है कि दिन में इतने बार ही पैसा निकाल सकते हैं और इतने बार ही जमा कर सकते हैं, राइट। तो क्या हुआ, जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए कम समय के लिए बहुत तेजी से ट्रांजेक्शन होता हो, दैट अकाउंट विल बी करंट अकाउंट। और लॉन्ग टर्म की हम जब बात करेंगे तो दैट विल बी द कैपिटल अकाउंट। जब जहां पे लंबे समय के लिए पैसा दिया जाता हो या लंबे समय के लिए पैसा आता हो, वो खाता क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। और जहां पे थोड़े समय के लिए पैसा आया, फिर भाग गया, थोड़े समय के लिए आया, थोड़े समय के लिए गया, दैट विल बी योर कैपिटल अकाउंट। तो 2 पार्ट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, यानी भुगतान संतुलन के 2 खाते होते हैं, ठीक है, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट मतलब चालू खाता और दूसरा इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी खाता। क्लियर यहां तक? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो। अब समझिए, जो आपका करंट अकाउंट है, ठीक, जो आपका चालू खाता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक विजिबल
और इनविजिबल। चलिए पहले इसको समझते हैं, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे फिर ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, इन दोनों को हमें क्लियर करना आज ही, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक विजिबल और एक इनविजिबल। अब मैंने आपको बताया था विजिबल क्या होता है, विजिबल क्या होता है, विजिबल जो आंखों से दिखाई दे, यानी गुड्स। ठीक, जो आंखों से दिखाई दे दैट इज कॉल्ड क्या, गुड्स। जो अब विजिबल के अंदर क्या होगा, गुड्स का गुड्स होंगे, और इनविजिबल में क्या होंगे, सर्विस होंगी या ऐसी चीजें होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम फील तो कर सकते हैं लेकिन दिखेगी नहीं। वहीं विजिबल में जिसको हम फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देखते भी हैं। राइट, यहां तक क्लियर। अब आइए, विजिबल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। क्या होता है, एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर से सामान मंगा, बाहर सामान भेजना। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब है हमारे यहां से फाइनल प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है, गुड्स बनाना और दूसरे देश में भेजना, दैट इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देश से फाइनल गुड्स अपने यहां मंगाना। ठीक है, दूसरे देश से गुड्स को इंडिया में मंगाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। क्या कहलाता है, इंपोर्ट। अब आपसे सवाल है, आपसे सवाल है, ये जो एक्सपोर्ट है, भारत में एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं कि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, भारत से हम सामान बना के दूसरे देशों में ज्यादा भेजते हैं या दूसरे देशों से सामान भारत में मंगाते हैं, बताइए मुझे क्या करते हैं हम। बताइए, बिल्कुल इंपोर्ट करते हैं, वेरी गुड भाई। इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट जब करते हैं, सामान मंगाए तो पैसा क्या करते हैं, वेरी गुड, आपने कहा इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं। इंपोर्ट का मतलब सामान मंगाया तो सामान के बदले पैसा देंगे, तो पैसा क्या करेंगे, ज्यादा देंगे, पैसा देंगे दूसरे देश को। तो यानी आपने कहा हम क्या करते हैं, दूसरे देश को पैसा ज्यादा देते हैं, पैसा ज्यादा देते हैं। तो क्या हुआ, पैसा ज्यादा दिया तो ये मैंने बोला, इसको मैं क्या बोल दूं, आपने बोल दिया पैसा ज्यादा दिया, पैसा ज्यादा दिया, तो यानी कि ये पार्ट हो गया हमारा डेफिसिट में, ये वाला पार्ट डेफिसिट में है, यानी कि या इसको बोल दूं, इसको माइनस बोल दूं, क्या बोल दूं, माइनस बोल दूं, क्योंकि यहां से हम ज्यादा पैसा देते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं। ठीक है, वही एक्सपोर्ट क्या होता है, कम होता है, एक्सपोर्ट से पैसा आता है तो इसको प्लस कर दो, जो कि मैंने बताया था आपने अपने दोस्त को पैसा दिया तो अपने यहां क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, क्योंकि आपके यहां से पैसा गया, तो इंपोर्ट में सामान तो आ रहा है लेकिन पैसा जा रहा है तो अपने माइनस लिख दिया, यहां पे क्या लिख दिया, प्लस में लिख दिया। इन दोनों में क्या ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट यानी पैसा ज्यादा जा रहा है, पैसा क्या ज्यादा, ज्यादा जा रहा है, तो मैं आपको बोलूं कि पैसा ज्यादा जा रहा है तो ये डेफिसिट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि मैं आपसे कहूं, ऐसे देखिए दोबारा, इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा जा रहा है तो ये डेफिसिट में हो रहा है, यहां पे पैसा आ रहा है तो सरप्लस में हो रहा है, यानी ये पैसा हमारा जमा कर रहा है, यानी सरप्लस कर रहा है, प्लस कर रहा है, यहां से इंपोर्ट से हमारा पैसा घट रहा है, मानेंगे। ठीक, अगर मैं, आपने कहा इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, ये आपने अभी तक बोला है, अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट में क्या क्या इंपोर्ट होता है इंडिया में, बता सकते हैं आप क्या क्या इंपोर्ट प्रोडक्ट होता है इंडिया में, मैं इसको लिख के लेकर आया हूं, मैं आपको लिखाऊंगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा क्या क्या इंपोर्ट करता है इंडिया। तो याद रखिए, इसमें पहला करता है इंडिया क्रूड ऑयल, क्या करता है, सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करता है इंडिया में वो करता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल सबसे ज्यादा इंपोर्ट, ये मैं उसी सीरियल में लिखवा रहा हूं आपको जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा करता है क्रूड ऑयल। नंबर दो गोल्ड एंड जेम्स, गोल्ड एंड जेम्स यानी सोना और रत्न सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तीसरे नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है केमिकल, क्या है, केमिकल। तो सबसे पहले
सबसे ज्यादा इंडिया जो क्या करता है, इंपोर्ट क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे गोल्ड एंड जेम्स, सोना और रत्न पता नहीं कहां इस्तेमाल करते हैं, हम तो दिखते नहीं, सोना खूब मंगाते हैं, पता नहीं क्या जरूरत है। ठीक, उसके बदले तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और फोर्थ नंबर पर आता है केमिकल। याद रखना ये तीन और चार कभी भी एक दूसरे की पोजीशन बदलते रहते हैं, कभी चार वाला तीन पे आता है, कभी तीन वाला चार पे आता है। लेकिन सबसे ज्यादा हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद गोल्ड जेम्स इंपोर्ट करते हैं, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम करते हैं और फोर्थ नंबर पर क्या करते हैं, केमिकल करते हैं। अभी किस किस देशों से आता है इसको भी लिख लीजिए जरा। सबसे ज्यादा हम किस देश से इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। किसे, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सबसे ज्यादा हम चाइना से करते हैं। दूसरे नंबर पे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इससे क्या आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो आते नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल आता होगा। और तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इन तीनों से सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट चाइना से करते हैं प्रोडक्ट्स, उसके बाद यूएई से और तीसरे नंबर पे यूएसए से। ठीक, तो ये हमारा इंपोर्ट का क्या है, पूरा इतना इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, दूसरे नंबर पे गोल्ड एंड जेम्स, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फोर्थ पे केमिकल। ठीक, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की, क्योंकि हमने दो कंपोनेंट पढ़े, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट की देखिए, एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट में हम सबसे ज्यादा करते हैं जेम्स, नंबर एक जेम्स। सेकंड नंबर पे हम करते हैं टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल जो है उसमें हम सबसे ज्यादा वो करते हैं एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल। थर्ड नंबर पे आप भी नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, क्या लिखा है, कुरहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं बच्चे में, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये कह भी सक रहे हैं कि चाइना से कम हो रहा है, चाइना से हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 1000 रुपए दे रहा हूं मैं आपको, और जो कंप्यूटर का माउस होता है वायर वाला, क्योंकि वायर माउस आपको 150 रुपए मार्केट में मिल जाएगा, 1000 रुपए देते हैं आप, मेड इन इंडिया आपको वायरलेस वायर वाला माउस नहीं देगा इंडिया में, तो समझ रहे हैं आप हमारी दिक्कत कितनी है। तो ठीक है, वो उनकी कोरोना की वजह से डाउन हो रहा है, लेकिन अब भी बहुत इंपोर्ट हो रहा है। तीसरे नंबर पे हम करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं। फोर्थ नंबर पे हम करते हैं केमिकल, केमिकल। और फिफ्थ नंबर पे हम करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये याद रखिएगा आप, ये पहले नंबर पे सबसे ज्यादा जेम्स इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स करते हैं, थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि जो कच्चा तेल है उसको रिफाइन करा, उससे रिफाइन करके, रिफाइन करने का पेट्रोल वगैरह निकाल के जो फाइनल से मोबिल ऑयल वगैरह बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। केमिकल्स करते हैं हम बहुत सा, क्या नाम, आपको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं, राइट। अब किस किस देशों में करते हैं, पहला करते हैं सबसे ज्यादा हम जो करते हैं यूएसए में, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम कहां करते हैं, यूएसए में। दूसरे नंबर पे यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, और तीसरे नंबर पे चाइना में, चाइना में भी हांगकांग में, याद रखिएगा हांगकांग। तो सबसे ज्यादा जेम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरा टेक्सटाइल, तीसरा आपका क्या करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर केमिकल, और लास्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। वहीं अगर मैं बात करूं आपका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश में करते हैं, तो यूएसए में करते हैं, दूसरे नंबर पे यूएई में करते हैं, और तीसरा हम चाइना में करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूपीएससी देता है। और थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा कि क्या करना है, कुछ नहीं, आरबीआई की साइट पे जाइए, वहां पे इसकी डिटेल देता है वो, कि कौन से प्रोडक्ट हमने ज्यादा इंपोर्ट किए हैं, कौन से कम किए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना देता है, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है, और आपने ये बताया कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, यानी इंपोर्ट हमारा डेफिसिट में है और एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस में। डेफिसिट क्यों, क्योंकि इससे पैसा जा रहा है बाहर और इससे पैसा आ रहा है, ये हमारे पैसे को सरप्लस कर रहा है, ये हमारे पैसे को घटा रहा है। ठीक, अब नोट डाउन कीजिए, प्लीज नोट डाउन द पॉइंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को,
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ज्यादा में से कम घटाना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। नोट डाउन, ऐसी लैंग्वेज कहूंगा कि आप बोलेंगे नहीं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड, भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, यानी ट्रेड कैसा होता है, भारत का ट्रेड क्या होता है, सरप्लस में होता है कि डेफिसिट में होता है? इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो ये ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमेशा भारत का जो ट्रेड बैलेंस है वो होता है ट्रेड डेफिसिट में। किसमें? ट्रेड हमारा किसमें होता है? डेफिसिट में होता है, घाटे में होता है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। और इंपोर्ट में भी क्या ज्यादा कर रहे हैं? क्रूड ऑयल, इसी सीरियल में, इसी वे में याद रखना है, क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और केमिकल, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? अनवी गुप्ता हेलो, कैसी हैं आप? ठीक, तो ये होगा आपका ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड हमेशा हमारा जो है वो डेफिसिट में है, और ट्रेड के कौन से पार्ट हैं? दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है वो डेफिसिट में नहीं, हमारा ट्रेड जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट द पार्ट ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड हमारा किसमें? डेफिसिट में। इनके जो आंकड़े हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अगर मैं आपसे कहूं जो विजिबल वाला पार्ट है ये सरप्लस में है कि डेफिसिट में है? विजिबल वाला पार्ट इज इन द सरप्लस और डेफिसिट? विजिबल वाला पार्ट सरप्लस में है कि डेफिसिट में? विजिबल वाला पार्ट जो है इज इन द सरप्लस और डेफिसिट? यानी कि ये डेफिसिट में हो गया, क्योंकि मान ली एक्सपोर्ट आप कम करते हैं, यहां से पैसा कम आता है, यहां से पैसा जाता है, तो बेचारा विजिबल वाला पार्ट डेफिसिट में हो गया। चलिए अब घूम के आते हैं इनविजिबल वाले पार्ट में। ठीक है, इनविजिबल में वो सब चीजें होंगी जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। विजिबल इनविजिबल के अंदर वो सब चीजें होंगी जिसको हम फील करेंगे। यूपीएससी में सवाल इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या इन जो सर्विस है उसको आप फील कर सकते हैं, तो उसने कह दिया नहीं सर, फील नहीं कर सकते। अबे भैया, फील तो कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। फील तो करेंगे, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, तो आप फील तो करेंगे, फील तो कर रहे हैं कि हाँ सर हमें ये पढ़ा रहे हैं, आज बैलेंस ऑफ पेमेंट कराए, लेकिन इस दो ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए, क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो विजिबल के तीन पार्ट होते हैं, पहला सर्विस, दूसरा इनकम और तीसरा ट्रांसफर ऑफ मनी। तीनों क्लियर, अच्छे समझते हैं। सर्विस समझिए, आपने जैसे कॉल सेंटर देखे, जैसे वोडाफोन के आप फोन करते हैं, ठीक है, वोडाफोन वगैरह की आपने देखा होगा सर, उस पे जाके फोन करते हैं कि हाँ जी मेरा फोन में ये दिक्कत है, मेरा ज्यादा बैलेंस कट गया है, इस तरीके से करते हैं। तो दीज आर द सर्विस, ठीक है, दीज आर द सर्विस। तो इंडिया जो है सर्विस ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इंडिया के अंदर बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर बना के सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज पार्ट ऑफ सर्विस। तो इंडिया के अंदर सर्विस इंडिया ज्यादा लेता है या वर्ल्ड में बाकी देशों को सर्विस प्रोवाइड करता है, बताते रहिए, इंडिया के, इंडिया सर्विस ज्यादा लेता है या सर्विस ज्यादा प्रोवाइड करता है? लेता भी है, इंडिया सर्विस लेता भी है, जैसे डिफेंस में लेता है, नई नई टेक्नोलॉजी की सर्विस लेता है, ठीक है, इसरो सर्विस लेता है, नई नई टेक्नोलॉजी की सर्विस लेता है। तो क्या है, सर्विस ज्यादा लेता है कि इंडिया सर्विस ज्यादा लेता है कि दूसरे देशों को प्रोवाइड करता है, बताइए, दूसरे इंडिया सर्विस, इंडिया के अंदर सर्विस दूसरे देशों से लेता है या दूसरे देशों को ज्यादा प्रोवाइड करता है? ठीक है, सर्विस ज्यादा प्रोवाइड करता है। जब सर्विस प्रोवाइड करेगा तो इंडिया में पैसा आएगा कि जाएगा? सिंपल सी बात है, पैसा आएगा, तो सर्विस आपका क्या होगा, सर्विस सरप्लस में होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है अंदर, अंदर ये नीचे की ओर, मतलब अंदर की ओर पैसा आ रहा है भाई। सर्विस जब दूसरे देशों को सर्विस देगा, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, अमेरिका के लिए सॉफ्टवेयर बना के देगी या उनके सिम कार्ड के लिए, मोबाइल के सिम के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो जब क्या होगा, उससे हमारे यहाँ पैसा आएगा। ठीक है, तो इंडिया क्या करती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रही है अभी,
ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पैसा आया। अब बात करते हैं इनकम की। आपने कोका कोला पेप्सी का नाम सुना है? कोका कोला पेप्सी पीते भी है, कोल्ड ड्रिंक है ना, वो जैसे पेप्सी पीते सचिन तेंदुलकर छक्का मार देता है ना, वो पता नहीं कैसे मार देता, मैंने तो कई बार कोशिश करी लगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो जैसे ढाका में हूँ छक्का चौका बोलते हैं, वैसे सिक्स और फोर बोलते ना। तो अब क्या है, ये जो इनकम समझिएगा, जो कोका कोला है पेप्सी है वो अपना प्लांट उन्होंने इंडिया में लगाया है। कोका कोला अमेरिकन कंपनी है, उसने प्लांट यहाँ लगाया। भाई किसी धनदान के लिए थोड़ी लगाया, किस लिए लगाया, प्रॉफिट के लिए, कि यहाँ आके उसने प्लांट लगाया है, यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ प्रोडक्ट बनाएगी, यहाँ के लोगों को थोड़ा खैर रोजगार देगी, और फाइनली क्या होगा, अपना खर्चा वर्चा काट के जो उसकी बचत होगी, फायदा होगा, वो अपने देश भेज देगी। ठीक इसी तरीके से कुछ कंपनी इंडिया की भी, जैसे टाटा ने अभी जैगुआर को क्या कर लिया, जैगुआर जी उसको टेक ओवर कर लिया। ऐसी इंडिया की कुछ कंपनियां जो दूसरे देशों में प्लांट लगाया हुआ है, वहां से उनका खर्चा वर्चा काट के जो प्रॉफिट है वो इंडिया में भेज देती है। तो सवाल यहां पर है, इंडिया में प्रॉफिट ज्यादा आता है कि इंडिया से प्रॉफिट ज्यादा जाता है? सवाल यह है कि इंडिया में प्रॉफिट ज्यादा आता है कि इंडिया से प्रॉफिट ज्यादा जाता है? माय क्वेश्चन इज दैट, इंडिया में प्रॉफिट ज्यादा आता है कि इंडिया से प्रॉफिट ज्यादा जाता है? इंडिया में प्रॉफिट ज्यादा आता है कि ज्यादा जाता है इंडिया से, बताइए। बिल्कुल शाबाश, ज्यादा जाता है। अब जब प्रॉफिट ज्यादा है तो मतलब पैसा जा रहा है दूसरे देश में, पैसा जा रहा है, जा रहा है तो इसको क्या लिख दूं, डी लिख दूं क्या, डेफिसिट में पैसा है, आने का मतलब है डेफिसिट, आने का मतलब है सरप्लस, डेफिसिट। चलिए अब दूसरी बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब पैसा कहीं से उधार लिया, पैसा उधार लिया तो उसके बदले में इंटरेस्ट, जैसे बैंक से पैसा हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके बदले में इंटरेस्ट क्या करते हैं, पे करते हैं। भारत जो है दूसरे देशों से लोन लेता है, लोन लेके फिर उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। ऐसे ही भारत से कुछ देश लोन लेते हैं, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट पे करते हैं। अब सवाल यह है कि भारत से में इंटरेस्ट ज्यादा आता है कि भारत से इंटरेस्ट ज्यादा जाता है? आप भी बताते रहना, आनंद की प्राप्ति होगी आज। हाँ, भारत में इंटरेस्ट ज्यादा आता है कि भारत से इंटरेस्ट ज्यादा आता है, बताइए। भारत में इंटरेस्ट ज्यादा आता है कि इंटरेस्ट ज्यादा आता है? जी अनवी गुप्ता जी बताइए, भारत में इंटरेस्ट ज्यादा आता है कि भारत से ज्यादा जाता है? भाई अगर भारत ज्यादा लोन दे रहा है दूसरे देशों को तो भारत में इंटरेस्ट आएगा, अगर भारत दूसरे देशों से ज्यादा लोन ले रहा है तो भारत इंटरेस्ट देगा। भैया भारत दूसरे देशों से लोन बहुत लेता है, खूब लोन लेता है, वर्ल्ड बैंक से ले लेगा, इससे ले, IMF से ले लेगा, इस देश से ले लेगा, जापान से ले लिया, इतना लोन देते हैं लेकिन इतना नहीं देते हैं, हम लोन ज्यादा लेते हैं। जब लोन लेंगे तो उसके बदले इंटरेस्ट देंगे, और जब इंटरेस्ट देंगे तो पैसा कहां जाएगा, दूसरे देश में जाएगा, और जब पैसा दूसरे देश में जाएगा तो उसको क्या लिख देंगे, डेफिसिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डेफिसिट लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? नहीं, इज इट क्लियर और नॉट? आप पहले से हालत में सुधार है, ठीक है गार्गी, वेरी गुड, शाबाश, गुड। तो यानी कि इंटरेस्ट में भी अभी हम डिविडेंड में है, पहले से, हाँ ठीक है, पहले मान लीजिए 100 रुपए इंटरेस्ट के जा रहे थे, अब कितने हैं, अब 78 रुपए जा रहे हैं। ठीक है, हालत सुधरी है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा ना, सब चीजों को सुधरने में समय लगेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मनी इज डिविडेंड। बट डिविडेंड क्या होता है पहले तो इसको समझ लो, ठीक, डिविडेंड को समझो, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश, यानी लाभ का अंश। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं आपको। मेरे पास एक आइडिया है इस मार्कर की कंपनी बनाने की, इस मार्कर की फैक्ट्री बनाने का। किसके पास है, आइडिया है मेरे पास इस मार्कर की फैक्ट्री लगाने का, पैसा है नहीं, जमीन जायदाद कुछ है नहीं। बैंक के पास गया, बैंक ने कहा कि लोन मिल जाएगा लेकिन कुछ इसके बदले गिरवी कोलेट्रल मॉर्गेज रखना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं है, तो कहा कि निकल जाओगे इसे तुरंत, मिनट से पहले आ गया बाहर, पैसा है ही नहीं, पैसा है नहीं लेकिन आइडिया है। फिर क्या हुआ, बैठा हुआ सोच रहा था यार कि किसी तरीके से पैसा लग जाए। कितना पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए था 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चाहिए था। ये दिमाग में, कहीं से 10 लाख मिल जाए। अब क्या हुआ, बैंक ने क्या करा, पैसा देने को मना कर दिया। मेरे पास कितने हैं अभी, 5 लाख रुपए हैं, मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। कितने, 5 लाख रुपए और चाहिए। तो मैंने सोचा, मेरा दोस्त सामने से निकलता बाजार, राजू,
मैंने उसको आवाज लगी, राजू, कहना हाँ भाई। मैंने कहा मेरी कंपनी में पार्टनर बनेगा? कह रहा हाँ, क्यों नहीं बनूंगा, पार्टनर का नाम सुनते कंपनी का मालिक बनूंगा, वही खुश हो गया, हाँ पार्टनर बन जाऊंगा। क्या ठीक है? मैंने कहा लेकिन कुछ पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मुझे इतने की जरूरत है, 5 लाख तो मेरे पास है, 5 लाख की मुझे जरूरत थी। मैंने कहा पैसे देने पड़ेंगे? राजू बोला हाँ दे देंगे भाई, जब मालिक बनवाएगा। राजू बोला कितने पैसे देने हैं? मैंने कहा 5 लाख देने हैं। कह रहा मुझे पार्टनर बनना ही नहीं तेरी कंपनी में। मैंने क्यों नहीं बनना? कह रहा भाई बनने की बस। अब मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा यार तू कुछ बात, 5 लाख रुपए है मेरे पास, तू मेरे से 5 लाख रुपए मांग रहा। मैंने कहा चल अच्छा कितने हैं? कह रहा तू छोड़ मुझे पार्टनर नहीं बनना तेरी कंपनी में। अरे मैंने कहा कुछ तो पैसे होंगे तेरे पास। कह रहा मैं बता नहीं तेरी कंपनी में पार्टनर। मैंने कहा भाई कुछ तो होंगे। कह रहा है। मैं कितने? 5000 रुपए हैं। मैंने कहा ले, एक तो मिला था उसी के पास। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू मुझे 5000 रुपए दे, 5000 रुपए दे। यानी 5 लाख में से उसने 5000 रुपए दिए, तो उसका आप रेशियो निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज उसने दिया होगा। जब ये कंपनी बन जाएगी, मुझे 5 लाख के लिए और लोगों को भी बुलाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे 5 लाख पूरे करने, राजू की तरह और लोग भी आएंगे, सबकी कुछ ना कुछ परसेंटेज के उसने हिस्सेदारी करी है उन्होंने, ठीक है। तो जब इस कंपनी बन जाएगी और कंपनी को जब प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से उसी रेशो के अकॉर्डिंग इनको जो लाभ है, जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट दिया जाएगा, यानी इस लाभ का अंश दिया जाएगा, उस लाभ के अंश को क्या कहते हैं दोस्तों? डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो भारत, ये बताओ भारत के अंदर, भारत डिविडेंड क्या, भारत के लोग दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं या दूसरे देश के लोग भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, बताइए। भारत के लोग दूसरे देशों की कंपनियों में निवेश करते हैं, ये राजू ने निवेश ही करे 5000 रुपए, तो इसी तरीके से भारत के जो लोग हैं दूसरे देशों की कंपनियों में पैसा लगाते हैं या बाहर के लोग इंडिया की कंपनियों में ज्यादा लगाते हैं? दूसरे देश के लोग, शाबाश। इसका मतलब यार तुम लोगों को तो क्लियर है, होशियार लड़के हो, तुम बच्चे हो, हैं खामे खामे मेहनत कर रहा हूं, फटाफट आंसर दे रहे हो, ठीक। तो यानी कि दूसरे देश के लोग पैसा लगा रहे हैं भारत कंपनी में, तो राजू को दूसरे देश के लोग समझ लो, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, जो इंडिया की कंपनी है उसको जब प्रॉफिट होगा तो राजू को क्या दिया जाएगा? लाभांश या डिविडेंड दिया जाएगा। तो दूसरे देश के लोग जब ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो दूसरे देश के लोगों को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, यानी डिविडेंड मतलब उनके यहां पैसा जाएगा, उनके यहां पैसा जाएगा, तो फिर ये क्या होगा दोस्तों? डिविडेंड हो जाएगा। तो यानी कि जो इनकम वाला पार्ट क्या है? डिविडेंड है। क्लियर है? इनकम वाला पार्ट इज द किस, क्या है? डिविडेंड। यहां तक क्लियर है आपको? नहीं है, एक बार बता दो मुझे, क्लियर है कि नहीं है? चलिए शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल निवेश कर रहे हैं ना, वेरी गुड। तो यानी कि जो इनकम है हमारी वो डिविडेंड में, सर्विस सरप्लस में, इंपोर्ट भी डिविडेंड में, एक्सपोर्ट सरप्लस में। अब आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी के 3 पार्ट हैं, पहला रेमिटेंस, दूसरा डोनेशन, तीसरा गिफ्ट। रेमिटेंस को समझो, देखिए क्लियर, यहां क्लियर नहीं होता इसको, यहां पे बताता हूं। ये भारत है, भारत से दुनिया में, भारत के लोग दुनिया के हर कोने में काम करते हैं। रेमिटेंस किस चीज का नाम है इसको समझते हैं पहले। भारत के लोग दुनिया के हर कोने में काम करते हैं, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे भारत के लोग ना मिले आपको, कोई भी देश नहीं है ऐसा, एक भी देश नहीं है, हर देश में कहीं ना कहीं भारत के लोग काम करेंगे। जब वो काम करते हैं तो अपनी आमदनी में से, अपने इनकम में से कुछ पैसा बचाते हैं और अपने घर वालों को भेजते हैं, मतलब ये हमारे संस्कार है, ऐसे हमारे संस्कार हैं। जबकि दूसरे देश कोई काम करेगा तो भेजे ना भेजे वो बात अलग है, वो अपने पे खर्च कर लें, लेकिन हमारे संस्कार है कि अगर हम कहीं भी काम करेंगे तो ये सोचेंगे हाँ हमारे घर पे भी कोई है तो कुछ हिस्सा उसको भी भेजा जाए। जो वो कुछ इनकम का जो कुछ पार्ट यहाँ पे भेजा जाता है पैसे का, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। और याद रखना, इस रेमिटेंस पे जो रिपोर्ट देता है कौन देता है? इस रेमिटेंस पे जो रिपोर्ट देता है वो देता है वर्ल्ड बैंक। कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि दुनिया में अगर कोई रेमिटेंस किसी देश में सबसे ज्यादा आता है तो वो है भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजते हैं हम, ये कौन बताता है? वर्ल्ड बैंक देता है इस पर रिपोर्ट, याद रखना, रेमिटेंस पे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा सबसे ज्यादा हम पैसा भेजते हैं, यानी बाहर इंडिया के लोग अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो पैसा क्या हुआ? बाहर से इंडिया में आया। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा सरप्लस में। क्लियर है? This is in the surplus। अच्छा, दूसरा क्या है? डोनेशन। डोनेशन मतलब
अब मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मेरे इसके स्टूडियो के सामने गंदगी पड़ी है, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है बिल गेट्स, वो निकल गया, कहने लगा यार शर्मा जी तुम्हारे यहाँ तो बहुत गंदा पड़ा रहता है। मैंने कहा हाँ जी, एक काम करो, ले चेक पकड़ो 20 करोड़ रुपए, इसकी सफाई करवाओ। यानी उसने क्या किया, मुझे डोनेशन दे दिया। डोनेशन इंडिया में आता जाता है कि ज्यादा देते हैं हम दान ज्यादा लेते हैं कि दान ज्यादा देते हैं, हम दान ज्यादा लेते हैं कि ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दान ज्यादा ले रहे हैं, दूसरे देशों से ज्यादा ले रहे हैं। देखिए बिल गेट्स देता है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, वो हमारे यहाँ डोनेशन कर रहे हैं, तो पैसा इंडिया में आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इन सरप्लस। अब गिफ्ट, गिफ्ट की मतलब मान लीजिए आप में से किसी के चाचा अमेरिका रह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा ये मेरा भतीजा है, इसको एक फरारी गिफ्ट में दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, या फिर इसका बर्थडे है, इसको एक काम करता हूँ $2,000 भेज देता हूँ। तो यानी गिफ्ट आपको, अब इंडिया में गिफ्ट ज्यादा आता है कि हम लोग गिफ्ट ज्यादा देते हैं, अब यार इतना पैसा है ही नहीं कि गिफ्ट कहाँ देंगे, तो गिफ्ट लेते ही हम दूसरे देशों से, ठीक है। तो यहां भी हम सरप्लस में है। तो दोस्तों यहां पे केवल ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट जो है ये डेफिसिट में, बाकी दोनों ये किस में है, सरप्लस में। अब मैं थोड़ा सा आपको एक डेटा दे रहा हूं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं आपको, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा, हो सकता है इस बार जो मैं दे रहा हूँ वो चेंज भी हो गया हो, तो आप प्लीज एक बार लिख लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा मकसद जो आपको समझाने का। अब देखिए जो हमारा अभी एक्सपोर्ट है वो कितना है, मैं लिख लेता हूं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो है $280 बिलियन, कितना है $280 बिलियन है, मैं इसको लिख लेकर आया हूं, $280 बिलियन है। और हमारा जो इंपोर्ट है वो है दोस्तों $392 बिलियन, ठीक है। $280 बिलियन का हमने क्या करा, एक्सपोर्ट करा, यानी उस सामान भेजा, उससे हमारे पास $280 बिलियन आए, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसमें होता है, डॉलर में होता है। इसी तरीके से हमने इंपोर्ट करा, किसमें, 300 जो इंपोर्ट करने के बाद हमने दूसरे देशों को क्या भेजा, पैसा भेजा, कितना, $392 बिलियन। यहां डेफिसिट में हो गए, यहां सरप्लस में हो गए। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस, यानी ये ट्रेड का पार्ट है। तो यहां पे देखो हमने इंपोर्ट ज्यादा कर दी, यानी पैसे बाहर ज्यादा भेज दिए, यहां पे कम हो गए। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि ट्रेड बैलेंस कितना आया, 312 में से 280 क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो $112 बिलियन आए माइनस के, क्या है, माइनस के। ये माइनस शो कर रहा है कि हम यहां पर ट्रेड में किसमें है, डेफिसिट में है, यानी कि यहां पर क्या ट्रेड हमारा, जो ट्रेड ही तो कर रहे हैं, दिस इज द डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है हमारा, क्यों, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक, इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक क्लियर है आपको, शाबाश, 112 ट्रेड डेफिसिट, वेरी गुड। ये माइनस जो शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है डेफिसिट। आइए अब सर्विस की बात करता हूं, सर्विस में हमारे पास आए इस बार $67 बिलियन, कितने आए, $67 बिलियन। और यहां पे इन तीनों चीजों से, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये हमारे किसमें थे, डेफिसिट में थे। यहां से हमारे पास गए कितने, -$26 बिलियन, ये प्लस में है, क्योंकि हमारा सरप्लस हुआ था, ये डेफिसिट में -26। रेमिटेंस और इनकम से आए हमारे पास 55, कितने, +55, यहां लिख देता हूं $55 बिलियन, $55 बिलियन, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करें, तो तीनों को हमने ऐड करा तो हमारे पास आया कितना, +$97 बिलियन, यानी कि जो इनविजिबल वाला पार्ट है हमारा किसमें दोस्तों, सरप्लस में, किसमें, सरप्लस में, इनविजिबल पार्ट वाला पार्ट, और विजिबल वाला डेफिसिट में, जरा दोनों को जोड़ना, 97 क्या, -112 +97 कितना आएगा बताना, जा कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आया बताइए मुझे, कितना आया, आप कहेंगे यानी माइनस के 15 बिलियन, ये बिलियन था ना, $15 बिलियन, माइनस के $15 बिलियन आया। ये जो माइनस है, मैंने आपको क्या बताया, माइनस क्या शो करता है, माइनस क्या शो करता है, माइनस शो क्या करता है, +112
प्लस 97 बिलियन। ये माइनस क्या शो कर रहा है? डेफिसिट शो कर रहा है ना। मैंने बताया माइनस मींस डेफिसिट शो। तो जो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है, जो बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, वो क्यों है? क्योंकि हमारा विजिबल जो है इनविजिबल है, ठीक है, उसके मुकाबले हमारा जो विजिबल है वो डेफिसिट में है और इनविजिबल सरप्लस में। दोनों को जोड़ा तो क्या आ रहा? माइनस के 15 बिलियन डॉलर आ रहा है। तो करंट अकाउंट हमारा हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर डेफिसिट में रहता है। किसमें रहता है? डेफिसिट में। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर हुआ आपको? माइनस शो क्या कर रहा है? माइनस शो क्या कर रहा है? डेफिसिट। तो हमेशा करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है। ट्रेड जो ट्रेड भी हमारा वो भी किसमें है? डेफिसिट में है। क्लियर आपको? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है। चलिए फिर ये पार्ट था आज इसका करंट वाला, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कैपिटल पढ़ेंगे और आपको बताऊंगा कि कोई देश कितनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, कोई देश कितनी करेंसी प्रिंट कर सकता है। मान लीजिए आरबीआई, आप तो कहेंगे आरबीआई है प्रिंट करने की, तो छाप देगा नोट। तो पहले कुछ बोलते थे कि जितना गोल्ड है, बात करेंगे कि वास्तव में जितना गोल्ड है उतना प्रिंट कर सकते हैं, कोई नया मेथड है उस पर बात करेंगे नेक्स्ट यानी मंडे को, ठीक है। चलिए फिर 3 बजे फिर मिलते हैं किसमें? एमसीक्यू की क्लास में।